गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। आज एक पेड़ पेड़ है मेरा जो बहुत बड़ा हो गया है, वो सीताफल। सीताफल बड़ा हो गया तो उसको आज निकाल करके नहीं, ये जो सामने देख रहे हैं सीताफल है, ये बहुत बड़ा हो गया और घर के दीवार के बगल में है, तो इसे निकाल करके दूरा पे लगाना है, कंपाउंड के अंदर लगाना है, जहाँ पे सेफ रहे, अच्छा रहे। और यहाँ पे तो ख़राब है, क्योंकि ये बड़ा होगा तो दीवार फट जाएगा। अपने भाई के पास तो इतना बजट नहीं है कि रातों रात घर बनाएगा क्या। तो इसको निकालते हैं, इस पेड़ को आज। गाइस यही पेड़ है, देखिए बहुत बड़ा हो चुका है। पिछले साल मैंने इस पेड़ को ना एक जगह से सीताफल यानी कि बहुत खाया था, और यहाँ पे छीट दिया तो बहुत सारा था, और कुछ लोगों को मैंने दे दिया है, तो इसे यहाँ पे फेंका था, तो ये बड़ा हो गया है। और इसे कहीं और लगा करके शिफ्ट करते हैं ताकि ये फल दे तो हम सब मिल करके खाएंगे। गाइस देखिए, इसको खन रहा हूँ ताकि अच्छा से थल्ला मराएगा तो पेड़ लग जाएगा, ऐसा ना कि ना लगे। तो बहुत बड़ा थल्ला मार रहा हूँ, क्योंकि दूर तक लेकर के आ रहा हूँ, थल्ला मार रहा हूँ क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो, इसीलिए। गाइस उधर गड्ढा खन दिया हूँ, उधर तो गड्ढा खनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे तेली माटी था, तो वहाँ गड्ढा खन दिया हूँ। और यहाँ से अब पेड़ निकालूंगा, क्योंकि यहाँ भी लगभग हो चुका है फिर ये सीताफल। डर लगता है कहीं टूट ना जाए, हमको लग रहा है यहाँ से थोड़ा माटी बिखर गया तो इसका कहानी हिट हो जाएगा, इसके लिए इसको बांधना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बांध देता हूँ एक और चीज़ लगा करके। गाइस पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि पानी डालूँगा तो ये थोड़ा इसका जो नमी है वो बना रहेगा, इसको परेशानी और दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए लग जाएगा, तो आप लोगों को भी इसको सीताफल खिलाऊंगा। पेड़ में पानी डाल दिए और ये पेड़ लग गया। अब देखिए आगे क्या होता है लगने के बाद। ये हमारा कंपाउंड है, और अभी से देखिए बकरियाँ आ गई है, सारा को भी खा गए, कहीं ये भी न चट कर दें। बाबू सोना तुम लोग जाओ, नहीं तो आँख छुड़वा देंगे। ये देखिए ये पवनमा का है, और आ करके सब खा जाता। बजरंगिया जो उधर बैठा है सौढ़िया जैसे, उसी का है। आई आ करके पूरा गोभी उभी सब खा जाता है। देखिए पेड़ लगा हुआ है, खाएगा अब की तो समझ लो। पप्पी दे रही है, हम तुमको खा जाएंगे, समझ गई। हाँ चला जा, अब भाग जा, भाग जा प्यारी, भाग जा। बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, इधर से निकल जाओ पप्पी के लिए। हाँ ये लोग का एगो शॉर्टकट रास्ता है, उधर से घुस जाता है हमारे कंपाउंड में, और जो भी चीज़ रोपा हुआ रहता है सब खा जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।